हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनिमेशन ऋषि। माय नेम इज ऋषि चांदा। फ्रेंड्स, आज हम प्रीमियर प्रो के बेसिक सीखेंगे, उसको यूज करना, उसके डैशबोर्ड के बारे में, उसके टूल्स, ये सब आज हम देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम इसमें प्रीमियर प्रो के बाकी आने वाले और वीडियोज, उसके बारे में न्यू वीडियोज, उसके ट्रिक्स टिप्स, ये सब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया। इसके अंदर हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, ओपन प्रोजेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना रखा। हमको डायरेक्ट न्यू प्रोजेक्ट करना है। ये मेरा जो बता रखा है एनिमेशन ऋषि रिसेंट प्रोजेक्ट है, मैंने पहले काम कर रखा है। तो ठीक है, हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। नेम के अंदर हमें प्रोजेक्ट का नाम डालना है। इसमें हम नाम लिख देते हैं ऋषि चांदा। हमने यहाँ पे नाम ले दिया। हमें इनको किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोकेशन दे रखा है, ये मतलब कहाँ पे हमें वीडियो को सेव करना है उस चीज़ की लोकेशन है। तुम अपने हिसाब से इसमें लोकेशन दे सकते हैं। चलो, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। इसके डाटा जो आएगा वो डेस्कटॉप पे सेव होगा। आप तो इसको ओके कर देते हैं। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। तो चलो, प्रीमियर प्रो ये ओपन हो गया। इसका डैशबोर्ड है पूरा, ये इसका पूरा वर्क प्लेस है, इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे हमें फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है, ये इंपोर्ट के लिए। यहाँ पे जो भी हम वीडियो, ऑडियो, इमेज कुछ भी है वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम इस क्लिप जो वीडियो ऑडियो कुछ होता है उसको हम इस जगह पे यहाँ पे उसको मैनेज करते हैं, मतलब कट करते हैं, उसको कट करना हो कुछ भी ऐसा कुछ, इसको हम ट्रिमर बोलते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, जो हम इफेक्ट लगाते हैं कुछ भी इसके अंदर, स्लो मोशन का या कुछ भी, वो इफेक्ट्स हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। हम यहाँ पे ऑडियो को इफेक्ट्स वो सब कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे ये टाइमलाइन है, इसके अंदर हम वीडियो को पूरा कंट्रोल करते हैं, कट करना कुछ भी ये सब, ठीक है ना। तो वीडियो का पूरा कंट्रोल यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हम वीडियो देखते हैं, देख सकते हैं, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। पूरा वीडियो एडिट होने के बाद वो कैसे दिखेगा वो सब यहाँ पे दिखाएगा। चलो ठीक है, हम कुछ फाइल्स हैं इसके अंदर इंपोर्ट करके देखते हैं, करते हैं। चलो, हम इसमें ये कुछ वीडियो है ये इंपोर्ट कर लेते हैं। वीडियो द वीडियो हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया है। वीडियोस तो हमें यहाँ से वीडियो को ट्रिमर में लेकर जाना है। इसके अंदर से हम वीडियो को, मतलब हमें कितना चाहिए उस हिसाब से कट करेंगे। तो यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसका शॉर्टकट आई भी है, इसको हम आई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको तो इसका ये एंड पॉइंट हो गया। हम यहाँ से एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट ओ भी होता है। और फिर यहाँ से इसको हमें टाइमलाइन के अंदर लाना है। यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये जो हमने ट्रिम करके जो हम लाए हैं वो वीडियो ही यहाँ पे दिखा रहा है। इसके टूल्स हैं जिनको हमें यूज करना है। सिलेक्ट टूल हो गया, एक ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल हो गया, ये रिपल एडिट टूल है, ये रेजर कट टूल है जो हमें, ये बहुत काम आने वाला है हमारे। और ये दो टूल्स हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इससे हम इसको टाइमलाइन में जूम कर सकते हैं। यहाँ से
चलो इसको हमने इतना जूम कर लिया। फ्रेंड्स ये जो है यहाँ से हम अगर हम ये जो वीडियो ऑडियो ये दोनों दिखा रहे हैं, हम चाहे तो यहाँ से ओनली वीडियो वीडियो इम्पोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से ओनली इसका ऑडियो ऑडियो इम्पोर्ट कर सकते हैं। पर ऑडियो वीडियो दोनों इम्पोर्ट करने के लिए आप पिक्चर से पिक्चर पे दबाना है। ठीक है, ये इम्पोर्ट हो गया। यह सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट टूल हमारे इस टाइमलाइन में इस क्लिप को सेलेक्ट करने में काम आता है इधर उधर ले जाने के लिए। और कट टूल जो हम अभी देख रहे हैं, कट टूल से हमें इसमें कट लगाने के लिए काम आता है, कहीं पे भी हम इसमें कट लगा सकते हैं इस टाइप से। मतलब अगर मान लो हमें एक पोर्शन इसमें से कुछ हटाना हो तो उसके लिए हम कट लगा के बीच में कुछ डिलीट करना हो उसके अंदर हमें डिलीट करना। यह फ्रेंड्स कट टूल, इसका शॉर्टकट है सी, इसका शॉर्टकट भी है। इसे हम जब काम में लेते हैं, अगर मान लो किसी कहीं से हमें क्लिप को कट करना हो इस टाइप से, तो हम यहाँ से बीच में से क्लिप कट भी कर सकते हैं। और मान लो कोई पार्ट हमें डिलीट करना हो बीच में से काट के, तो उस चीज़ में हमें कट टूल यूज ले सकते हैं। तो यूँ करके हम यूँ भी कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट यूँ ले जाने से वीडियो डिलीट ही हो जाएगा बीच में जो था। टूल का आ गया और सेलेक्ट टूल बता दिया मैंने। फ्रेंड्स ये स्नैप टूल, इसका हमें जब यूज लेता है जब हम कोई किसी को कट करना हो, जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे कट लगा रहे हैं, तो हम प्रॉपर कट लगाने के लिए इसको यूज लेते हैं। ये जब भी हम मान लो अगर साइड में कट लगा रहे हैं तो प्रॉपर वहीं जगह पे कट लगेगा, चाहे हम थोड़ा गलत भी लगा रहे हैं तो भी उसी जगह कट लगेगा जहाँ पे हमारा कर्सर है इस टाइप से। थोड़ा मान लो ऑन है, ऑन नहीं है, तो हम जहाँ पे कट लगाएंगे वहीं कट लगेगा। स्नैप टूल ऑन होने से होता है कि हम जल्दी कर सकते हैं, ऐसे जगह फिक्स नहीं करनी होती कि कहाँ पे कट लगाना है, ऐसे जहाँ पे कर्सर होता है वहीं पे कट लग जाता है। फ्रेंड्स यह है अपना बैकवर्ड टूल और फॉरवर्ड टूल, इसका यूज हम जब लेते हैं, जब मान लो कि दो तीन क्लिप्स हमने एक जगह कर दी, जैसे एक ये क्लिप हो गई, इसमें एक ये क्लिप हो गई। अब हमको मान लो यहाँ पे मान लो दो तीन क्लिप हो गई एक साथ, बहुत सारी हो गई, और हमें मान लो यहाँ पे कोई इंट्रो कुछ और फाइल्स लगानी है, तो हमें इनको एक एक करके यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा। ऐसे पहले एक को कर दिया, फिर दूसरी को किया, ऐसे हमें स्पेस बना लिया बनाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स फॉरवर्ड टूल से हम डायरेक्ट स्पेस बना सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से सिलेक्ट किया, आगे का पूरा फॉरवर्ड हो जाएगा। सेम इसके अंदर बैकवर्ड है, बैकवर्ड के अंदर हमको मान लो इधर के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और हम इधर जितना चाहिए इनको ले जा सकते हैं, जितना हमें बैकवर्ड से सिलेक्ट करना है कर सकते हैं बैक से। फ्रेंड्स ये टूल है रिपल एडिट टूल, इसका शॉर्टकट बी है। हमें इसको जब यूज लेते हैं, मान लो इसमें इनमें से एक फाइल को हमें छोटा करना है, एक क्लिप को छोटा करना है और बाकियों को वैसे के वैसे रखना है, तो हम इनको ड्रैग करके एक फाइल को छोटा कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट वाली फाइल का ओनली एंड एंड में से ये कम हो गई है, लेकिन बाकी और फाइल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही
इसके अंदर यही इसी काम के लिए लिया जाता है, इसमें छोटा बड़ा करने के लिए। इसके अंदर रोलिंग री टूल है, ये काम आता है दोनों तरफ से छोटा बड़ा करने के लिए इसको। इसमें दोनों तरफ फर्क पड़ेगा, दोनों फाइल से एडिट होएगी इसमें। और यह है रेट स्ट्रेच टूल, इसका काम है फाइल को इसको स्लो मोशन में या फिर फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए। जैसे मान लो हम इसको छोटा कर रहे हैं, हम इसको जितना छोटा करेंगे फाइल उतनी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो इस टाइप से, इसको जितना बड़ा करेंगे फाइल स्लो मोशन में हो जाएगी। स्लो मोशन और फास्ट फॉरवर्ड के लिए है, इस टाइप से इसको स्लो और फास्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैंड टूल है, ये दोनों टूल्स हम बाद में करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट टू में। ये हमारे वीडियो को ऊपर नीचे मतलब पकड़ कर कहीं पे भी ले जाने के लिए है। जैसे हम इसको जूम किया, इसको यूं हिलाने के लिए काम आता है हैंड टूल। और ये टेक्स्ट टूल, वीडियो के अंदर टेक्स्ट डालने के लिए काम आता है। यहाँ पे क्लिक किया, वीडियो पे डायरेक्ट टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है कुछ भी जो हम चाहे। जैसे ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे इसका ये आ गई, इसका क्लिप बन गया। यहाँ पे हम इसको छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं इस टाइप से, तो इसके अंदर दिखाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, हम आज इन टूल्स तक ही देखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और कमेंट्स ज़रूर कर देना प्लीज।